In our previous lecture, we have discussed about economic importance of bryophyte. अब बेटा अब हमारे पास बची है केस स्टडी, अलग अलग एग्जांपल्स की हम केस स्टडी स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंथोसीरोज और रिक्सिया के बारे में. तो देखें, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, एंथोसीरोटॉपसीडा क्लास के जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और उन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर कौन सा है, ए लार्ज क्लोरोप्लास्ट विद अ डिस्टिंक्ट पायरिनोइड. इनके पास एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखाऊंगी बाद में. इनके पास एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लियरली विजिबल डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियरली विजिबल पायरिनोइड होता है. ये एंथोसीरोटॉपसीडा क्लास का कैरेक्टर है. दूसरा क्या बताया, इनका जो थैलस होता है उनके पास म्यूसिलेजिनस कैविटी होती है, ठीक है. और इस म्यूसिलेजिनस कैविटी की खास बात क्या है कि इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट्स होते हैं. दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी इसकी बॉडी के अंदर है, दैट मीन्स वो एंडोफाइट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन शो करता है. यहां पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो पार्ट है वो ब्रायोफाइट की हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, दैट आर हेट्रोसिस्ट सेल. तो ध्यान से देखना, अब मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूं, ये तो है बेटा इसकी एक सेल को मैंने एनलार्ज करके दिखाया है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लियरली विजिबल डिस्टिंक्ट आपका क्या है, पायरिनोइड, ठीक है. ये तो था इसका पहला फीचर, और दूसरा फीचर क्या है कि इसके थैलस में आपको म्यूसिलेजिनस कैविटी मिलेगी, ठीक है, और इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट्स मिलेंगे. जैसे ये फिलामेंट मैंने दिखाया नोस्टोक के फिलामेंट दिखाए, नोस्टोक एनाबेना, आपको याद हो ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, इसके थैलस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं. कैसे, ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा. तो ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है एंथोसीरोटॉपसीडा क्लास के मेंबर्स में, कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एंथोसीरोटॉपसीडा क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो ये तो था आज का हमारा पहला एग्जांपल. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एग्जांपल, दैट इज रिक्सिया. तो बेटा रिक्सिया की डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो रिक्सिया की मोर देन 100 स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगी. रिक्सिया हमने कहाँ कहा था बेटा कि सबसे सिंपलेस्ट जो स्पोरोफाइट होता है वो किसका होता है, रिक्सिया का होता है. रिक्सिया एक लीवर वर्ट प्लांट है, हमने डिस्कस किया था. तो दैट मीन्स लीवर वर्ट के जर्नल फीचर हमने पढ़ लिए. लीवर वर्ट के जर्नल फीचर्स क्या थे, बॉडी कैसी होगी, थैलॉयड होगी, डॉर्सी वेंट्रल होगी, राइजोइड्स वेंट्रल सरफेस पे होंगे. तो इसके अंदर भी वैसे ही चीजें हैं. तो देखो ये भी एक लीवर वर्ट है, लेकिन बेटा ये एक मोनोशियस प्लांट है. मोनोशियस प्लांट का मतलब है एक ही थैलस में आपको मेल पार्ट भी देखने को मिलेगा और फीमेल पार्ट भी. मेन जो प्लांट पोडी होती है इनकी वो भी गैमेटोफिटिक होती है, क्योंकि डोमिनेंट फेज इनका भी गैमेटोफिटिक फेज होता है क्योंकि एक लीवर वोल्ट है. और साथ में इनके जो थैलस होता है वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है. हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, डाइकोटोमस का मतलब है जहां पे भी ब्रांचिंग होगी वहां पे दो पार्ट्स में टिप ऐसा डिवाइड हो जाएगा. तो इस ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग. क्या कहेंगे, डाइकोटोमस. जहां पे भी ब्रांचिंग निकलेगी वहां पे दो पार्ट्स में टूटेगा. आगे यहाँ पे अगर यहां भी ब्रांचिंग होनी है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो अगर ग्रोइंग पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उस ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग. क्या कहते हैं बेटा, डाइकोटोमस ब्रांचिंग. मोनोशियस प्लांट है, एक ही प्लांट में आपको एंथेरिडियम भी देखने को मिलेगा, दैट मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्चिगोनियम भी आपको दिखाई देगा, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो इसमें कहां दिखाई देते हैं, तो ध्यान से देखें, लोअर पार्ट की तरफ आपको आर्चिगोनिया दिखाई देता है
और इसके टिप की तरफ आपको क्या दिखाई देता है, एंथीरिडिया। ठीक है, बॉडी डॉर्सी वेंट्रल होगी, थैलस लाइक बॉडी होगी, और इसमें क्या होगा बेटा, ये अपर पार्ट है, डोर्सल सरफेस बोलते हैं, ये लोअर पार्ट है। इसके थैलस का जो अपर पार्ट होता है जो कि वो लाइट को रिसीव करेगा, तो वो होता है इसका फोटोसिंथेटिक पार्ट, और जो लोअर पार्ट होता है वो स्टोरेज में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, स्टोरेज में। ठीक है, अब क्योंकि अपर पार्ट फोटोसिंथेटिक है तो वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। कैसा होगा बेटा, ग्रीन होगा। मोनाशियस प्लांट है तो सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया सेम थैलस में प्रेजेंट होंगे। राइजोइड्स कहाँ होंगे बेटा, वेंट्रल सरफेस की तरफ। लेकिन इसके राइजोइड कैसे होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, आगे मैं आपको बताऊंगी। दो तरह के राइजोइड्स होते हैं, एक तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड और एक होते हैं ट्यूबरक्यूलेट। ये क्या होता है, जैसे ये मैं आपका राइजोइड बना के दिखा रही हूं, अगर इसकी इंटरनल वॉल ऐसे स्मूथ होती है तो ये राइजोइड होता है स्मूथ वॉल्ड। मैं इसको ब्रॉड करके दिखा रही हूँ, काफी बड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। और अगर इसकी इंटरनल वॉल में ऐसे रिजेस प्रेजेंट होते हैं तब हम इसको कहेंगे ट्यूबरक्यूलेट। तो दो टाइप का राइजोइड इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, मे बी स्मूथ वॉल्ड या मे बी ट्यूबरक्यूलेट। ठीक है, लेकिन राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर। क्यों होंगे यूनिसेल्यूलर, क्योंकि ये एक लीवर वॉल्ट है और लीवर वॉल्ट में राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। और अनब्रांच्ड होगा क्योंकि एक ही सेल है तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती है। एंड प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस, हमेशा राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सरफेस के वेंट्रल सरफेस के ऊपर, क्योंकि बॉडी कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल, तो जो लोअर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अब नॉर्मली तो हमने कहा था कि लीवर वॉल्ट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमा की हेल्प से, और गैमा किस में प्रेजेंट होता है, गैमा कप में। लेकिन बेटा जो रिक्सिया होता है उसके सरफेस पे आपको जैमा कप दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनके जैमा कप जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आती है जो थैलस को प्रोटेक्शन देती है, दैट इज स्केल्स। स्केल्स भी आपको वेंट्रल सरफेस पे ही दिखाई देंगे बेटा, जो राइजोइड्स होते हैं उन्हीं के आसपास, जैसे लोअर, ये तो है अपर सरफेस। अब अपर सरफेस में तो क्या होंगे, आपके सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे, मेल एंड फीमेल। लेकिन नीचे वाले सरफेस को अगर आप देखोगे ना बेटा, तो नीचे वाले सरफेस में आपको राइजोइड्स दिखाई देंगे और स्केल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये राइजोइड्स और स्केल्स की लोकेशन कहां पे होती है, वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है। तो इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो लिग्यूलेट होते हैं, लिग्यूलेट मतलब टंग लाइक अपीयरेंस होती है, वायलेट कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर जो आता है वो आता है उनके अंदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्केल्स होते हैं ये एंथोसाइनिन पिगमेंट इनके केस में प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है बेटा, वायलेट हो जाता है। इनके स्केल्स हैप्लोइड होंगे, हैप्लोइड क्यों, क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है तो ये भी हैप्लोइड होंगे। स्टेराइल होंगे, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। यूनिस्टेटोज होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, हैप्लोइड है लेकिन मल्टी सेलुलर है, ध्यान देना। राइजोइड्स कैसे थे, यूनिसेलुलर है एंड प्रेजेंट बिलो द थैलस ऑन वेंट्रल सरफेस। ठीक है, थैलस के ऊपर कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेंट्रल सरफेस पे। इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये क्या करते हैं बेटा, थैलस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, थैलस को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, थैलस के बीच में, थैलस के जो सेल्स होती है उनके बीच में मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर को। राइजोइड्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उस मॉइस्चर को मेंटेन कौन करेंगे बेटा, आपके स्केल्स करेंगे। तो दो फंक्शन हमने इसके बता दिए हैं, एक तो ये क्या करता है, स्केल प्रोटेक्शन देता है इसके थैलस को, और दूसरा मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। लेकिन रिक्सिया की एक स्पीसीज है रिक्सिया फ्लुइटेंस, कौन सी स्पीसीज है, रिक्सिया फ्लुइटेंस। रिक्सिया फ्लुइटेंस जो इसकी स्पीसीज है उसके अंदर ना तो आपको स्केल्स दिखाई देंगे ना ही राइजोइड्स दिखाई देंगे। इट इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड राइजोइड। एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है
कि रिक्सिया ब्रायोफाइट को जो नाम दिया गया है वो नाम एक पॉलिटिशियन के नाम पे दिया गया है, और उस पॉलिटिशियन का क्या नाम था बेटा, एफ एफ रिक्सियाई के नाम पर इन प्लांट्स को क्या नाम दिया गया है, रिक्सिया नाम दिया गया है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमेसी होती है। ब्रायोफाइट में हमने यही बताया था कि उनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है बेटा, ओगैमस। ओगैमस मतलब मेल गैमेट मोटाइल है और स्मॉल साइज के, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है एंड लार्जर इन साइज। और क्योंकि ये किसका पार्ट है, क्रिप्टोगैमी का पार्ट है, एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये तीनों क्रिप्टोगैमी कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर चाहिए होता है, तो वाटर इनके लिए एक मीडियम का काम करेगा जिसमें मेल गैमेट जो एंथीरोजोइड्स है वो मूवमेंट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आर्चिगोनिया तक जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिक्सिया और एंथोसीरोटॉप्सिडा का जो कुछ जर्नल फीचर्स थे, ठीक है, उनके बारे में।